बेटा आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के 9.2 कर रहे हैं। जे आप रिकैप्चुलेट करी एक बार रिवाइज करी डिफरेंशियल इक्वेशन किनू कहने हैं, केड़ी रकम डिफरेंशियल इक्वेशन कहांगे। मान लो थोड़े को इतने चार पांच रकम लिखी इन्हों के रकम डिफरेंशियल इक्वेशन कर, मतलब जिस रकम च वेरिएबल ते डेरिवेटिव दोवे हो, इतने डी वाई बाय डी एक्स नहीं है तो इस करके डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, तो जिस च वेरिएबल भी हो ना डेरिवेटिव भी हो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर इतने के डेरिवेटिव का वन है तो इनका ऑर्डर हाईएस्ट वन होगा। उस ऑर्डर की डिग्री कितनी है वन, तो यह डिग्री भी कितनी होगी वन। ये तीन चीजा हूँ अपना मकसद की है चौथा मेन सल्यूशन लगना कि एक्स की वैल्यू होगी वाई की वैल्यू होगी, सल्यूशन लगना अपना मकसद। तो सल्यूशन दो तरह के होंगे, एक होंगे जनरल सल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होंगे पर्टिकुलर सल्यूशन। जनरल से पर्टिकुलर की फर्क देखो, जो हूँ अपने को इक्वेशन जो डेरिवेटिव है तो पहला तो सल्यूशन लगे कि डेरिवेटिव है तो सल्यूशन लगने डेरिवेटिव का की लेना पेगा इंटैग्रल की लवाने पुठा करांगे ताई वापस बी वाई से जावांगे। तो डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन आपस की है एक दूजे के उल्ट है, जे डेरिवेटिव दिता है वापस पहले नंबर से जाने का इंटैग्रल कर लो, जे इंटैग्रल दिता है थीले नंबर से जाने का उनका की कर लो डेरिवेटिव। हूँ इतने डेरिवेटिव दिता है सल्यूशन लगना है तो की करांगे पहले नंबर से जाने इंटैग्रल। तो तुहानू यह भी पता जो आप इंटैग्रल लैने तो थ्री चीज कॉन्सटेंट भी आता हूँ आंदा ना। हूँ जे तो तुम जवाब सीधा कॉन्सटेंट लिखता सी कुछ भी पाता तो उन्होंने की कहने जनरल। जे उन्होंने वैल्यूज दिखाई एक्स का मूल जीरो भरो वाई का दो भरो तो फिर कॉन्सटेंट वैल्यू आ जाती है ना, तो फिर कॉन्सटेंट पर्टिकुलर वैल्यू भर देंगे तो उन्होंने की कह दें पर्टिकुलर सोल्यूशन। जे सी लिखी रह जाता है फिर वह जनरल सोल्यूशन है, जे सी की वैल्यू कट के भरते हैं तो फिर उन्होंने की कहने पर्टिकुलर सोल्यूशन। आप दोवें तरह के करा जनरल भी पर्टिकुलर, ठीक है जी। हूँ आप सब तो पहला 9.2 चेक करना है उन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने क्या चेक करो कि इनका सोल्यूशन है कि नहीं, मतलब उन्हें दोवें चीजा दिखाई हुई हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी है वेरिएबल भी दिता है, कहना चेक करो ये दोनों आपस है कि नहीं, ठीक है। जिमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उमें हिसाब आप काम कर उन्होंने वेरिएबल दिता वाई फंक्शन आ उन्होंने इनकी की दी है डिफरेंशियल। अच्छा बेटा सर्वे का किन्ने ऑर्डर का डेरिवेटिव है दो, ना ऑर्डर किन्ने ऑर्डर का एक। तो हूँ आप दसना कि आह इनका सल्यूशन है कि नहीं, किमें दसागे आप वैल्यू इन भरेंगे। हूँ इन वैल्यू भरने कितनी कितनी वैल्यू चाहिए आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए तो सिंगल ऑर्डर की इतों कटा इतने भर देंगे। जे जवाब जीरो के बराबर आ गया तो समझो अपना इनका सोल्यूशन है गया तो नहीं। हूँ मैनु एक गल दसो स्टेटमेंट आप कहती है आप दसना है कि सिद्ध करना, सिद्ध करना मतलब उन्हें क्या कि सोल्यूशन हैगा ही हैगा। जे थोड़ा सिद्ध नहीं होंगे थोड़ी गलती हो रही है, सोल्यूशन हैगा ही हैगा वेरीफाई का मतलब होंगे कि तुसी चेक करो सोल्यूशन तो पक्का हैगा ही, तो इस मतलब हर हाल च जीरो के बराबर आऊगा ही आऊगा। हाँ कि हूँ पहला आप कटा वाई डैश वाई तो पहला डेरिवेटिव लाओगे वाई डैश आऊगा, चाहे डी वाई बाय डी एक्स लिख लो चाहे वाई डैश ई एक्स का डेरिवेटिव
प्लस वन का डेरिवेटिव y dash dx plus 0 मतलब y dash आ गया कितना e और इधर फिर डबल डेरिवेटिव चाहे इतने लिख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तब y डबल डेरिवेटिव बराबर e x का डेरिवेटिव फिर dx ओके अपन y डबल डैश की वैल्यू चाहिए थी सीधे y डैश की कैटली भरन लगी y डबल डैश की वैल्यू dx माइनस y डैश की वैल्यू yes. की करेंगे जवाब कितना होगा जीरो राइट हैंड साइड पर बराबर आ गया तो आंसर वेरीफाइड प्रूव्ड या वेरीफाइड जो इन्होंने कहा से बिल्कुल सही है हां इनका सलूशन समझ लगी तो अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है अंडर रूट को कितनी पावर कहते हैं डेरिवेटिव लिए डिफरेंशिएट पावर कितना घट जाना होता है उस तो बाद एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा पहला मान था एक बटे दो थले इनकी पावर जो घट गया फिर अगली कहीं अंदर लगा भी डेरिवेटिव लगे ना तो हम अंदर डेरिवेटिव का जीरो प्लस एक्स का टू एक्स तो हम क्या एक प्लस एक्स केयर एक जो अंदर क्या आया अंदर तो साइन के लिए क्या करना बढ़ेगा क्या होगा माइनस और नीचे दो है और ना भी रह गए थे दो क्या दो ऊपर की बचेगा एक्स उन्हें नेगेटिव पावर है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो तो ये रकम में कितने लेना चलिए तो एक बटे दो है एक बटे दो और इधर उतना आता है ठीक है जी उन मेरा वाई डेरिवेटिव इनके बराबर आ गया हम देखिए आप इतना ही रकम आपने तो कितने बार अच्छा एक्स के नाल की लिखे है बाकी वाई की शक्ल आ सी ते जे मैं इनू ऊपर ते थल्ले कर दी दो तरीके है या तो तुसी एक तो एटा की शक्ल बना दो या फिर आ वाई डेरिवेटिव में कट लिया इवन इनदे वाई डेरिवेटिव की जगह भर दा ते सेटिंग कर के बराबर जे जीरो आ गया तो मेरा गल सही है नहीं तां पर मैं कोशिश करना चाहनी कि मैं इथों ही एटा की शक्ल बनावा तो उनके लिए मैंने नाल एक्स के की चाहिए वाई का हूँ कितने बराबर सी इनके तो मैं की कर लगी है वन प्लस एक्स के अंडर रूट को ऊपर थले की कर लगी है मल्टीप्लाई ठीक है जी हम करिए वाई बराबर एक्स इंटू वन प्लस एक्स के थले भी वन प्लस एक्स के लिखता पहले ही सी एक और आप आपके वालों एस की सेटिंग कर लें ਇਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾਈ ਤੇ ਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਵਾਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ ਦੋ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਗੁਣਾ ਦੋ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਤੇ ਚਾਰ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਹਦਾ 1 + x² ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਆਮੀਨ।